स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं आर्क वेल्डिंग 200 एम्पीयर में, और इसके बारे में जानेंगे और देखेंगे क्या क्या लगा है और इसमें देखिए फॉल्ट क्या है, ये भी चेक करके देखेंगे। बहुत ही ये देखने में छोटी लेकिन 200 एम्पीयर में और सिंगल डबल मशीन है। आप देख सकते हैं कि इसमें इनपुट एसी 120 वोल्ट से 560 वोल्ट तक ये यूज कर लेगी, उतने में ये अच्छे से चलती है। और ये इसका एसबीटी कार्ड है, ये इसका कंट्रोल कार्ड है, और ये डिस्प्ले कार्ड है, और इधर डायोड कार्ड है, और ये कैपेसिटर कार्ड है। बस इतना ही चीज़ लगा रहता है। और ये कि ये इंडक्शन फिल्टर लगा है, इंडक्टर ट्रांसफार्मर कह सकते हैं, इंडक्टर ट्रांसफार्मर लगा है। और ये कि सीटी लगी है, करंट ट्रांसफार्मर जो करंट मेजर करती है। यहाँ पे ब्रिज है, इसमें फॉल्ट क्या होता है कि इसमें फॉल्ट ये है कि इसकी आईसीबीटी एक खराब है, ये वाली, और आईसीबीटी ख़राब होने के साथ साथ उसके सेक्शन भी ख़राब हो जाते हैं कभी कभी। इसमें जो सेक्शन में डायोड लगे हैं, ट्रांजिस्टर लगे हैं, एसएमडी, ये सब कंपोनेंट्स हैं, तो इसमें भी कुछ ख़राबी आ जाती है। इस चीज़ की वजह से ये आईसीबीटी बार बार उड़ रही है। और इसको चेक करके हम बताएंगे आपको कि कैसे चेक करेंगे कि नहीं आई सी बी टी खराब है। क्योंकि हमारा मल्टीमीटर को हम देख रहे हैं, सेट कर लेंगे डायोड पे, और दिक्कत तो बहुत हो रही है। एक ही हाथ से फ़ोन पकड़ना है, एक हाथ से सीन। चलिए मैं इसको आप अलग अलग पार्ट्स खोल के इसका हम चेक करके दिखाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। और ये देखिए, ये डायोड, ये ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि डायोड जो होता है इसका एक कॉयल होता है, ये दोनों सेम होता है। कंटिन्यूटी पर चेक करने पर यह शॉर्ट बताएगा दोनों, और यहाँ से ये दोनों सेम होता है। और उसके बाद एक फायरिंग यहाँ से होती है और एक फायरिंग डायोड के आउटपुट से ये निकलती है हीट सिंक के द्वारा से इधर। तो क्या होता है कि यहाँ से सप्लाई आती है ब्रिज से सप्लाई आई और ये आगे आईजीबीटी कार्ड में, आईजीबीटी कार्ड से आईजीबीटी फायरिंग करता है और ये ट्रांसफार्मर में देता है। इसमें एक कॉयल में इन दोनों से चली जाती है, वहीं से निकल के एक डायोड किस पे आ जाती है और एक इधर आउटपुट टर्मिनल पे आती है। इसको मैं अच्छे से कवर करूँगा पूरा मशीन खोल के, पार्ट पार्ट्स अलग करके, और आपको दिखाऊँगा, और उस पर फिर हम लोग चेक करेंगे और देखेंगे कि नहीं, हाँ क्या इसमें ख़राब है।